सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डल्ला जी, अज्ज आप खास तौर पर जरूर जो पंजाब विच सियासत नूं लैके बदलते समीकरण ने उन्हां उपर चर्चा जरूर करनी है, पर सब तो पहला जेकर आप शुरुआत करिए तो जो जदों तो प्रियंका गांधी की चिट्ठी आई नवजोत सिंह सिद्धू नूं केंद्रीय जेल पटियाला विच चिट्ठी पहुंची, उस तो बाद तो असीं देख रहे हैं लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में माहौल बनता नज़र जरूर आ रहा है। कांग्रेस के कई वड्डे वड्डे लीडर जो एक एक दो दो बार मुलाकातां भी कर चुके हैं, कई लीडर जिहड़े अगों उन्हां नाल मुलाकातां करन दी तैयारी भी कर रहे हैं, सिद्धू दे समर्थक जिहड़े ने ओह भी मीटिंगां कर रहे हैं, ते कई चर्चावां ने कि जिवें ही सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू केंद्रीय जेल तो बाहर आणगे तां एक नवां धमाका उह सियासी जरूर करनगे। तुहाडे तो जरूर जानना चाहवांगे, तुहानूं की लगदा किस तरह का सियासी धमाका नवजोत सिंह सिद्धू कर सकदे ने? देखो, पहलां तां असीं इह गल समझीए कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं लै के इन्ना ज़्यादा सियासी कड़मस क्यों मचिया। जदों असीं ये जानने की कोशिश करांगे तो एक गल साफ हो जूगी कि पंजाब की सियासत ते ईमानदारी का कब्जा हो चुकिया और नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिहे लीडर सी जिन्हां ने पंजाब की सियासत नूं ईमानदारी दे राह ते तोरिया। अज तुसीं देखो कांग्रेस के किन्ने करप्ट लीडर ने जिहड़े कई फरार ने, कई जेलां च ने, कई सरेंडर कर रहे ने, भावें उन्हां दी करप्शन हजे अदालतां च साबित होनी है, पर इहदा मतलब यह है कि हुण करप्शन का सियासत च कोई थां नहीं। भगवंत मान जिहड़े मुख्यमंत्री बने ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बदलाव का राह तैयार किया, कल्ले नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं पंजाब के लोगों ने भी बदलाव का राह तैयार किया, जिहड़े एक ईमानदारी की सियासत पंजाब देखना चाहते सी। असल च बदलाव की है हरजोत जी? बदलाव यही है कि हुण जिहड़ी सियासत है वह ईमानदारी की होगी, हुण झूठे लारियां नाल झूठे वादियां नाल सियासत नहीं होनी। और नवजोत सिंह सिद्धू तो जिहड़ी गल हो रही है बार बार कि जिवें ही नवजोत सिंह सिद्धू जेल तो रिहा होणगे कोई वड्डा सियासी धमाका कर सकदे ने, असल च जिदां ही नवजोत सिंह सिद्धू रिहा होकर आउणगे, उम्मीद है 26 जनवरी तक नवजोत सिंह सिद्धू जेल तो रिहा होकर आ जाणगे, उन्हां दे जेल तो रिहा होकर आउंदे ही पंजाब च एक बार फिर ईमानदारी की जिहड़ी सियासत है वह सरगर्म हो जाणी है। अज भगवंत मान उन्हां दी सरकार दे खिलाफ विरोधी धिरां खुल के क्यों नहीं बोल रही? एक दो लीडरां नूं छड्ड दिए, कुछ वड्डे लीडरां नूं छड्ड दिए, प्रताप बाजवा वर्गे ईमानदार लीडरां नूं छड्ड दिए, बहुत सारे लीडर खुल के भगवंत मान सरकार का विरोध ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वह नैतिक तौर पर इन्ने कमज़ोर ने। अकाली दल के 10 साल के राज च, 15 साल के राज च की होया सानू पता कि करप्शन हुई अकाली दल के राज च भी, भावें कोई लीडर सीधे तौर पर करप्शन लई जिम्मेदार नहीं है पर कईयां दियां जांचां तां शुरू हो गईयां पिछले समयां च भी। मेरे कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हुण ईमानदारी की सियासत होनी है आने वाले समय च खुल के। और सब तो वड्डा जिहड़ा सियासी धमाका, जिवें तुसीं भी कह रहे हो भी किहड़ा वड्डा धमाका करनगे नवजोत सिंह सिद्धू, वह धमाका यही होएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू दे दोबारा जेल चों बाहर आउंदे ही मैनू चिट्ठी याद आ जाती प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने अखबारों ने दावा करता, देखो कितों सच कढ लिया अखबार, मैनू तो आप नहीं पता लगता, मैं नहीं वो चिट्ठी देखी, पर देखो अखबारों वाले ने छापती चिट्ठी कढ के, कितों ना कितों चिट्ठी नहीं छापी, वह मजमून छापता अखबारों वाले ने कि जी प्रियंका गांधी या कांग्रेस की हाई कमांड सिद्धू नूं ताकत दे सकती है। वो पिछे कारण की है? कांग्रेस की हाई कमांड भी यह महसूस करती है कि ईमानदारी के नाल ही पंजाब सियासत अगे वधाई जा सकती है। उन्होंने देख लिया तजर्बा, चनी के रिश्तेदार को किन्ने पैसे फड़े गए, उसके बाद की हाल होया कांग्रेस का। हुण चनी साहब भावें PhD करते रहन अमरीका जाके, पर पंजाब के लोगों के मुद्दों की लड़ाई तो इत्थे सिद्धू ही लड़दा रहा ना। हारन तो बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू मैदान च आ गया भी जे लोगों ने नहीं मेरे ते ऐतकी भरोसा किया कांग्रेस करके तो कोई गल नहीं, मैं फिर भी मैदान च। हुण सियासत पंजाब की तस्वीर बदलती है, रुख बदलती है। एक तो वेला वह सी जदों ये भी नहीं सी लगता कि भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे, एक वेला वह सी जदों ये लगता सी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे। कांग्रेस ने सिद्धू नूं बनाया नहीं तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत नूं चेहरा बनाता, दो ही चेहरों की पंजाब च अगवाई होनी सी। मैं अगे भी चोणां तो पहलां बहुत वार कहिंदा सी कि भगवंत मान ते नवजोत सिंह सिद्धू ये दो ईमानदार चेहरे पंजाब की सियासत की दिशा तय करनगे। और हुण होना की है, हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे रिहा हुंदे सारी वड्डी गिणती च हरजोत जी तुसीं देखियो कांग्रेस दे लीडर, कांग्रेस दे वलंटियर, कांग्रेस दे वर्कर तुसीं देखियो किवें घरां चों निकलदे ने। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह नाल पंजाब च घूमना है
पंजाब दे मुद्दियां दी उन्होंने लड़ाई लड़नी है, क्योंकि दर्द है उन्होंने दिल जिगर दे विच पंजाब दा। जिवें उन्होंने कल्ले शहर दर शहर निकलना है, तुसीं देखियो हज़ारां लखां दी गिणती च कांग्रेस दे वलंटियर ते वर्कर किवें आउंदे ने सिद्धू दे नाल। वो इस करके नहीं भी वह नवजोत सिंह सिद्धू है, वो इस करके भी वह एक ईमानदार सच्चे मन दे नाल पंजाब दे मुद्दियां दी लड़ाई लड़न वाला लीडर है। और अज पंजाब दे लोक महसूस करते हैं, दसो तुसीं पंजाब दीआं बसां दा की हाल होया पिया, बस अड्डियां ते लोकां नूं सरकारी बस नहीं मिलदी, आए दिन हड़ताल, मुलाज़म बेचारे की करन, उन्हां नूं तां सियासी लॉलीपॉप देते सी चोणां तों पहलां विरोधियों ने भी बस साडी सरकार आ जाए मुड़ के धरने नहीं पंजाब च लगने। आ तुसीं देखो बसां औखियां चलदियां ने, मैं तां बड़ा हैरान हाँ, कहिंदे चंडीगढ़ प्राइवेट बसां असीं जान नहीं देणियां, ओ भाई रोडवेज वाले पहलां मना लियो, कितें रोडवेज वाले मंगा उन्हां दीआं तुसीं पूरियां ना करो, प्राइवेट तुसीं चंडीगढ़ भेजो ना, ते साडियां पंजाब दीआं सवारियां जिन्हां ने शनिचरवार नूं मुड़ना हुंदा पंजाब वो किदां आउणगे, लोक 25-30% चंडीगढ़ शनिवार नूं वेला हो जांदा, हरजोत जी शाम नूं शुक्रवार नूं ही हो जांदा 25-30% तां, क्योंकि शनि ऐतवार की छुट्टी हुंदी, शुक्रवार नूं रोडवेज की बस से बह के पंजाब आ जा करनगे। ते जे यही हाल रहा रोडवेज का तो प्राइवेट बसां चंडीगढ़ जानियां नहीं, फिर बनूगा की? मैं लोगों की गल नाल जोड़ रहा, यही गल नवजोत सिंह सिद्धू करता सी भी असी पैसा सूबे लिए कमाईए, असी सूबे लिए पैसा जनरेट करिए। इस करके नवजोत सिंह सिद्धू के आने पर जिहड़ी सियासी धमाके की गल हो रही है कि जिन्ने मुद्दे ठंडे पै गए पंजाब के, जिन्ने मुद्दे ठंडे पै गए वो मुद्दे नवजोत सिंह सिद्धू के जेल चो रहा होंदे ही गर्म हो जाने। एक ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू का सानू पता है सियासी तौर पर मुद्दों उभार दे दिंदा। तुसीं देखो जो कुछ होया जलंधर दे विच, मकान ढाए गए जिस तरह गरीब लोगों के, लतीफपुरा मामले, लतीफपुरा पिंड वाले हुण कहिंदे जिहड़ा कौमी घट गिणती कमिशन है उन्होंने भी पुछया भी एड्डी ठंड ते तुसीं लोग बेघरे करते, भावें अदालतों के हुक्म ने भी तुसीं नजायज़ कब्जे नहीं होर देने, पर सरकार नूं संवेदनशील बनन की लोड़ है, साडे लोग अपने पंजाबी उत्थे रह रहे हैं। मैं सुनदा सी एक टैलीविजन चैनल ते पंजाब दे कहिंदे पाकिस्तान तो उजड़ के आए भी साडे जिहड़े साडे भाईचारे दे लोग सीगे ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਢਾਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਲਬੇ 'ਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਠੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਭਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ते नवजोत सिंह सिद्धू की फर्क पाऊगा, क्योंकि पहला बहुत सारे लोगों को लगता सी कि नवजोत सिंह सिद्धू जेल भेजता, एक साल की जेल कट के आऊगा, तद तक पंजाब की सियासत बदल जूगी। सियासत बदली नहीं, पंजाब की मुद्दा रहित होगी। पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू के जेल जाण तो बाद कोई एक वड्डा अजिहा लीडर मैनू नज़र नहीं आता जिहड़ा पंजाब के मुद्दों को कौमी पद्धर ते लै गया होवे। नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आऊगा तो मुद्दे फिर कौमी पद्धर ते जाणगे। सो रिपोर्टां यही ने जिहड़ियां चर्चावां चलदियां ने, पोलीटिकल पार्टियां नूं वी ये रिपोर्टां मिल रहियां ने कि नवजोत सिंह सिद्धू जिवें जेल चों बाहर आऊगा पहला नालों होर ताकतवर हो के निकलूगा। ये नहीं भी उत्थे वर्जिश करता पिया, वर्जिश करके तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भार घटाया, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि भार बहुत ज़्यादा है, सिद्धू साहब अपना भार घटाओ। सो उन्होंने कसरत कुसरत करके अपना भार घटाया होना, योगा मैडिटेशन जिहड़ा भी उन्होंने समा मिलता जेल के काम तो वेले होके। पर जेल चो निकलण तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू का मजबूत होने का मतलब यह है कि पंजाब के लोग महसूस कर लग गए कि नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदारी नाल पंजाब के मुद्दे चकदा सी, ते नवजोत सिंह सिद्धू दीआं गल्लां दे विच सच सी, सच कौड़ा भी हुंदा। सो इस करके नवजोत सिंह सिद्धू दीआं गल्लां च सच सी और पंजाब सच नाल ही अग्गे वध सकना है, क्योंकि मुद्दे अज भी उत्थे खड़े ने। बेरोज़गारी दे मुद्दे देख लो तुसीं, नौजवानों कोले रोज़गार नहीं। मैं सुन रहा सी एक दिन साडी सरकार दी गल, कहिंदे 1800 कॉन्सटेबल ते 300 दे करीब सब इंस्पैक्टर हर साल भर्ती करांगे। पहला साल तां निकल गया, कल 16 दिसंबर नूं 9 महीने पूरे हो गए, ते हुण अगले 4 सालों च भी जे 2100-2200 मुलाजम भर्ती करने ने तो किन्ने होए 4 सालों च। सो बेरोज़गारी बहुत वड्डी समस्या, घट्टो घट 1 लख पुलिस मुलाजम ते अफसर पंजाब दी पुलिस नूं चाहिए, तां असीं सही पासे नूं चलांगे। हुण जिहड़ा सवाल है गुप्त रिपोर्टां, वख-वख पोलीटिकल पार्टियां ये जानण की कोशिश कर रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आऊगा तो की करूँगा। यह सवाल हर किसी के जहन च है। मैनू ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू नू कांग्रेस उस तरह वड्डी भूमिका दे विच लैके आऊगी जिदे नाल नवजोत सिंह सिद्धू 2024 दीआं चोणां दे विच कांग्रेस दे लई अपनी पार्टी दे लई एक वड्डी भूमिका अदा करदे होए पंजाब दे मुद्दियां नू कौमी पद्धर ते लैके जाणगे। मैनू ये तो नहीं पता कि नवजोत सिंह सिद्धू चोण लड़नगे या नहीं लड़नगे, पर मैं हमेशा चाहना कि नवजोत सिंह सिद्धू चोण लड़ के लोग मुद्दियां की नुमाइंदगी करन, यह उन्हां दा फैसला है। पर एक गल तय है, नवजोत सिंह सिद्धू पहला नालों तकड़ा होकर जेल चो बाहर आऊगा, क्योंकि पंजाब के लोग महसूस करन लग गए कि यह लीडर मुद्दे चक्कण वाला लीडर है, तो असीं जरूर चाहते हाँ कि पंजाब के मुद्दे हाईलाइट होण। और जिस तरह नाल वड्डे लीडरां दे विच एक ट्रेंड देखिया मैं, एक तो बाद एक वड्डे लीडर जेल मुलाकात करन जा रहे हैं, एक तो बाद एक वड्डे लीडर चाहते हैं कि असी भी जेल जाके नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात कर लीए। हफ्ते घट ने ते लीडर ज़्यादा ने, हफ्ते का मतलब कि एक हफ्ते च 3 लीडर मिल सकते हैं, 3 मुलाकाती एक हफ्ते च एक तय दिन च मिल सकते हैं, फिर परिवार के मैंबर ने भी मिलना। इस करके लीडर बहुत ज़्यादा ने, पत्रकार कई ने जिहड़े मिलना चाहते हैं। सो बहुत औखा जिहड़ा हैगा परिवार के लिए भी होया भी असीं किनू हाँ करिए किनू ना करिए। जेल मैनुअल के हिसाब के नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात होंदी है, पर लोगों दीआं रिपोर्टां कोई गुप्त नहीं, लोगों दीआं रिपोर्टां साफ ने कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ के पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़न। और मैनू लगता है कि आने वाला समय जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुद्दों नूं लैके अगे वधणगे, तो असीं पंजाब नूं लोक मुद्दों के राही अगे लैके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे साढ़े केंद्र नाल ने जिहड़े अज तक हल नहीं होए, और बीजेपी के नाल भी अकाली दल के नाल भी और आम आदमी पार्टी के नाल भी मुद्दों की लड़ाई है जिहड़ी वो नवजोत सिंह सिद्धू नूं लड़नी पैनी है, तो नवजोत सिंह सिद्धू मैनूं लगता है लड़नगे। जी डल्ला जी, जिवें कि तुसीं जिहड़े सियासी समीकरण दिखा रहे हो उस हिसाब नाल तां तुसीं दिखा रहे हो कि सिर्फ सिद्धू ही सिद्धू नज़र आ रहे हैं आउंदे समें दे विच, पर बाकी भी कई खास चेहरे ने, सियासी चेहरे ने। जेकर असीं गल कर लईए आम आदमी पार्टी की, साढ़े जिहड़े मुख्यमंत्री ने भगवंत मान, या अकाली दल की गल कर लईए सुखबीर बादल ने, बीजेपी की गल कर लईए, सो इन्हां पार्टियां नूं ये भी वड्डे जिहड़े नाल सियासी चेहरे ने, इन्हां नूं फिर तुसीं कित्थे देखदे हो? नहीं, ये नहीं भी सिर्फ सिद्धू ही है पंजाब की सियासत। फर्क की है कि सिद्धू जिस भूमिका दे विच लोग पंजाब दे सिद्धू नूं देखदे ने, पोलीटिकल पार्टियां ने कदी भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं वो भूमिका नहीं दित्ती। असीं पिंडां च भी देखदे हां, पिंडां च साढ़े कई काबिल हुंदे ने नौजवान, पर कदी भी उन्हां नूं वो भूमिका नहीं दित्ती जांदी जिहड़ी भूमिका वो निभा सकदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल भी वो वापरिया, कांग्रेस ने भी उन्हां नूं वो भूमिका नहीं दित्ती जिहदे वो हकदार सी।
पुराने समयां च। हुण सुखबीर बादल दे ते पिता जी प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रह गए, फैसले तो सुखबीर बादल ही करते सी ज़्यादातर। हुण उन्हां दी पत्नी है बीबी हरसिमरत कौर, उन्हां दे भरा वह भी मंत्री सी सरकार च, फिर प्रकाश सिंह बादल हुणां दे जवाई साहब वह भी सरकार च मंत्री सी। सो पंज पंज लोक एक सरकार च सी, ते फिर भी सरकार 25 साल क्यों नहीं पूरे कर सकी। इहदा मतलब है ज असी टायर कदों बदलदे हां हरजोत जी गड्डी दा, या तो वह पेंचर हो जाता या हवा घट जाती है या वह घास ही इन्ना जाता भी आपां कहिंदे आ कि जांदी गड्डी ना पलट जे। इस करके पंजाब दे लोकां ने 25 साल तो पहले ही अकाली दल की सरकार बदलती, इहदा मतलब है सरकार डिलीवर नहीं सी करदी। हुण भगवंत मान साहब की सरकार है, हुण भगवंत मान की सरकार साहब की सरकार ने कई वड्डे मुद्दे ने जिहड़े हजे तक हल नहीं किए। रेता देख लो, पहुँच तो बाहर हो गया, संगरूर क्यों हार गए, लैंड ऑर्डर के मसले पर भी दिक्कत आ रही ने। ठीक है बिजली मुफ्त करती, पर आने समय से देखते हैं यदा असर किस रूप से आऊगा, क्योंकि सरकार तो बिजली बोर्ड को देने ही पैने ने ना। मैं बयान भी सुन रहा मुख्यमंत्री साहब का भी असी पंजाब बहुत जल्द सरप्लस बिजली वाली स्टेट बनन जा रहे हैं। वो सुखबीर बादल भी कहता रहा, उदो सुखबीर बादल कहते भी पंजाब तो सरप्लस बिजली का सूबा, सुखबीर बादल तो कहता से असी पाकिस्तान को बिजली बेचा, वो पहले ही सरकार सकूर बदल गई लगता है। होर भी लीडर ने मुकाबले कला सिद्धू नहीं, मेरे कहने का मतलब से कि नवजोत सिंह सिद्धू वो भूमिका नहीं मिली जिस भूमिका च नवजोत सिंह सिद्धू डिलीवर करे। हुण वो मंत्री से, बहुत सारे लोग कहते जदों नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री से उदों सिद्धू ने की किया, सिद्धू ने उदों बहुत कुछ किया जो कर सकता सी। सब तो वड्डी गल उन्हें अस्तीफा देता भी जे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मैनू काम नहीं करन देना तो आ चक्को अस्तीफा, क्योंकि साढ़े सिस्टम च मुख्यमंत्री की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਹਿਲ ਜੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿਲ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਹਿਲ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਛੱਡਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉੱਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਆਹ ਰਾਏਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ 2024 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ,
यूपी दे मुख्यमंत्री नू लखनऊ च जाके मिल के आए जोगी नू, एक पासे उन्हां दे नाल बैठे सी, मैं देख रहा सी जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हुण जनरल सकत्तर बन गए जिस तक मैनू याद है, मैं नाम भुल गया उन्हां दा, जगराऊं तो आउंदे ने SGPC दे मैंबर ने, एक पासे प्रेम सिंह चंदू माजरा सी। सो इस करके गरेवाल जिहड़े सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे भी रहे ने भाई गरेवाल, हुण सुखबीर बादल सिखां दे मसलियां च गए यूपी च, सिख मसलियां ते गल्लां कीतियां। अकाली दल नूं भी सिख मुद्दियां ते पंथक मुद्दियां ते लड़ाई लड़नी पैणी है क्योंकि पंथक जमैत नुमाइंदा जमात है पंथ दी। सो मुकाबला तो होगा, अकाली दल भी हैगा, भगवंत मान भी हैगा, BJP भी हैगी, भारतीय जनता पार्टी वाले कहिंदे असीं भी ईमानदार हाँ, असीं कहड़ा किसे तो घट हाँ। सुखबीर बादल अकाली दल कह रहे असीं भी ईमानदारी नाल अगे वध रहे हैं। सो मुकाबला हैगा सारियां च, पर जिहड़े लोग ने उह टैसट कर चुके ने, भगवंत मान दी टैसटिंग चल रही है, सुखबीर बादल नूं टैसट कर लिया लोगों ने, BJP नूं टैसट कर लिया क्योंकि सुखबीर बादल ते BJP अकाली BJP तां इकट्ठे ही सी। हुण अज BJP वाले यह नहीं कह सकते कि पंजाब दे लोगों ने सानूं कदी मौका नहीं दिता, दो वारी सत्ता च अकाली दल नाल रहा BJP, दो या तीन बार। सो इस करके नवजोत सिंह सिद्धू नूं कदी मौका नहीं मिलिया बतौर मुख्यमंत्री पंजाब च कि वह डिलीवर करके दिखावे। बिल्कुल, और उस करके मैं कह रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जिद्दां ही जेल चो बाहर आउणगे ते वो सियासी धमाका इस रूप च देख सकदा है कि लोग खुल के समर्थन करनगे। जी 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 बिल्कुल। सो वाकई सारे आपां कई पहलू कई समीकरण जो मिलते ने बन रहे ने सियासी पंजाब दे विच, उस उपर चर्चा तो की है, पर एक होर मुद्दा अजकल जिस उपर BJP दे वलों BJP दे आगुआं वलों काफ़ी विरोध भी किया जा रहा। पाकिस्तान के जिहड़े विदेश मंत्री ने उन्होंने साढ़े देश के जिहड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने विरोध में विवादित एक टिप्पणी की है, सो उसनों लैके BJP काफ़ी रोस दिख रहा है। चंडीगढ़ भी जो है प्रोटेस्ट किया गया BJP आगुआ वालों, मैं जरूर इस विवादित टिप्पणी बारे भी थोड़े तो जरूर चाहूंगी कि वह खबर आप साझी करिए। देखो हरजोत जी, मैं वो टिप्पणी का जिक्र तो नहीं करता क्योंकि साढ़े प्रधानमंत्री बारे नरेंद्र मोदी जी बारे आप शब्द बोले बिलावल भुट्टो। सो सानू पता है पाकिस्तान की सियासत जिस तरीके की होंगी है, उत्थे मैं देखिया बेनजीर भुट्टो सी, देखो वह भी दुनिया तो चले गए जो कुछ उत्थे वापरिया, उत्थे कई लीडर ने पाकिस्तान च असी देखिया जेड़े पता नहीं अचानक ही दुनिया तो चले जाते हैं, कई उत्थे तख्ता पलट जाता है, सवेरे सरकार उठती है उन्होंने पता लगता भी असी तो सरकार ही नहीं रहे, तख्ता पलट जाता उत्थे कोई फौजी शासक होंदा। इस करके बिलावल भुट्टो वर्गे जिहड़े लीडर ने भावें विदेश मंत्री ने उत्थों दे, पर मैं इन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा गंभीरता दे नाल लैंदा नहीं क्योंकि इन्हां दीआं टिप्पणियां बहुत हासोहीणियां होंदियां। इन्हां दी इक मंत्री है पाकिस्तान की शाजिया मर्री, हुण उन्होंने संकेतक रूप च एटमी बंब की धमकी दिती है भी बीबी कोई तैनू समझावे भी ये गल्लां शोभा दिंदियां ने तुहानू, तुसी एडे सत्कारयोग हो, तुहानू मंत्री बनाता उत्थों की सरकार च, ते तुसी एटमी बंब दीआं गल्लां करदे हो, दसो तुसी मनुखता दे भले दीआं गल्लां करो। बिल्कुल, कोई दिवाली दवूली वाला कोई खिडौना होवे ते गल समझ आउंदी है, ये खेडां नहीं हैगियां। सो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान नूं इस तरीके के बयान तो ग्रेज़ करना चाहिए, उत्थों के मंत्रियों भी ग्रेज़ करना चाहिए। देखो हरजोत जी मैं दसा, जदों बिलावल भुट्टो उन्होंने माता जी सी बेनजीर भुट्टो, जदों उन्होंने दहशतगर्दा ने मर्डर किया तो भारत भी बड़ा दुख मनाया गया, असी कभी भी दुख की घड़ी दे विच इस तरीके का वर्तारा नहीं करते असी भारतीय। और एक बारी पाकिस्तान फौजियों के बच्चे मारते अतवादियों ने, देखो भारत दे विच भी लोगों ने सोग मनाया, कई घर रोटी नहीं पक्की, मोमबत्तियां बाल के उन्हां दी आत्मा की शांति दे लई इत्थे कैंडल मार्च तक कढ़े गए। सो इस करके मैनू तो यह कहना है कि थोड़ी जी शर्म करनी चाहिए है बिलावल भुट्टो उन्हां नूं, और बड़े सत्कारयोग बीबी बिलावल भुट्टो उन्हां नूं, और बीबी जिहड़े इन्हां दा पूरा नाम जिहड़ा है शाजिया मरी। सो इन्हां नूं जरूर इस तरीके के बयान तो एटमी जखीरियां दी जिहड़ी गल कीती है इहदे तो संकोच करना चाहिए है। सो अजिहे बयान नहीं देने चाहिए। जी बिल्कुल। सो डल्ला जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो तुसी सारियां जो खास खबरां सन उन्हां उपर पूरा जानकारी जो है दर्शकों तक पहुँचाई है, दर्शकों का भी असीं धन्यवाद हमेशा ही करते हैं जो हमेशा ही प्रोग्राम दे नाल जुड़ते हैं, अपने सुझाव भी जो समय के हिसाब नाल सानूं कमेंट्स जरिए साडे नाल सांझे भी करते रहते हैं। तो इस नाल ही हुण मैनूं यानी कि हरजोत कौर नूं भी दिओ जी इजाजत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरजोत जी।